जितना बर्बाद करेंगे आबाद होती है। खैर कौन आबाद संजय जी का गलती हो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनरी की लाज मतलब एक जो दिखावा जाता है कि मतलब जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो बरती नहीं जाती हैं, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। तो इसमें मेरा कैरेक्टर ही अलग है, संजय भैया का मैं पोता बना हूँ और मेरा कैरेक्टर जो इसमें है एकदम समझ लीजिए जो भी करता हूँ गलत करता हूँ, सही कुछ नहीं किया हूँ। और लास्ट में मेरा बहुत क्या हाल होता है तो आप लोग जानते हैं, रियल लाइफ में तो आप जानते हैं मुझे ऑडियंस भी जानती है कि रियल लाइफ में मैं उनका भाई हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका प्यारा छोटा भाई हूँ, उनका बेटा हूँ बस। बाकी रियल लाइफ में मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ नॉर्मल जैसे लोग जीते हैं, बिंदास रहता हूँ ऐसे, हर दोस्तों के साथ अपनों के साथ मस्ती करता हूँ। बाकी अरुण सर के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और पहली बार काम करके मुझे ये नहीं लगा कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, जैसे लग रहा है मैं इनके साथ कितनी फिल्में कर चुका हूँ। सर का जो बातचीत है, व्यवहार है, उनका जो प्यार है, मतलब एक अलग ही बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। अब बहुत मैं चाहूँगा कि सर के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँ और हमेशा काम करना चाहूँगा। और सुनील सर भी हैं माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा जो भी चीज़ें कराते हैं या समझाते हैं उसको एक बार समझा देते हैं और समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुनील सर के साथ बहुत सारी फिल्में किया हूँ और अच्छा लगता है सारी चीज़ें। फिल्म के हीरो संजय मिश्रा जी हैं, उनके साथ कैसे तूतू मैं होने वाले, कितना खुश होने वाला है? अब तूतू मैं तो होगा ही, जहाँ हीरो हैं और विलन है तो जाहिर सी बात है हीरोइन एक है तो उसके लिए तूतू मैं तो होगा ही ना। चुनरी की लाज तो जब हीरोइन है तो जाहिर सी बात है जब चुनरी की लाज उड़ाएगा तो हीरो बचाएगा, तो उड़ाने वाला मैं बचाने वाला हो। तो स्टोरी बहुत ही प्यारी है, मैंने सुना आप लोगों को एक जैसे पहले कहते थे ना भोजपुरी फिल्म ऐसी है वैसी है गंदी है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आपको एक पारिवारिक फिल्म मिल रही है, अच्छी फिल्में मिल रही हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, घर में बहू बेटी माँ बाप सब लोग एक साथ बैठ के देख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। आप लोग की जो सोच थी आज वो हम लोग दे रहे हैं और हम लोगों का कोशिश यही रहेगा कि ऐसा दो कि आप लोग खुद सोचें कि हाँ ऐसी फिल्में आनी चाहिए हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो आज ऐसी ही फिल्में आ रही हैं जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। आपकी आने वाली फिल्में? मेरी आने वाली फिल्में तो बहुत सारी हैं, अभी हिंदी फिल्म मेरी एक रिलीज हुई है सिंदूर रजनी 2, फिर अभी एक गंगा रिलीज होने वाली है हिंदी फिल्म में, आंसू मलिक जी हैं, और दूसरी 5 बेटियां हैं, फिर बेटी मिला सौभाग्य से, फिर ये फिल्म है लाखन सिंह पवन सिंह जी के साथ लीड एज द विलन मेरी फिल्म आ रही है, बहुत ही अच्छी फिल्म है वो और उसमें मैं कोशिश किया हूँ अच्छा से अच्छा करने को, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स भी मुझे मिला कि इंद्रसेन जी आपने अच्छा किया है। और इसके पहले मेरी रिलीज हो चुकी फरिश्ते जिसमें खेसारी जी हीरो हैं और विलन में ही किया हूँ, बाकी सुरताल मेरी आने वाली है काजल जी के साथ, बहुत सारी फिल्में हैं जिसका मैं अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ, याद नहीं पड़ रहा। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है कि आज इंद्रसेन यहाँ है, बस यही आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार मुझे बनाए रखिएगा। जी चुनरी की लाज को लेके दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और ये फिल्म आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी और अरुण जी की फिल्में तो माइंड ब्लोइंग, सारी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं और बस कोशिश है कि हम लोग इसको बेटर से बेटर बनाएँ।